A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial page of 9th of February. So let us start our editorial in detail. The title of this editorial is Troubled Mountains. Okay, troubled ka jo meaning ho gaya, bothered ya disturbed. On Uttarakhand glacier disaster. जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि 7th of Feb को उत्तराखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है चंबोली, तो वहां पर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर का एक स्लाइस क्या हो गया, डिसलॉज हो गया, वो खिसक जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई और बहुत ज्यादा फ्लड आया और बहुत ज्यादा क्या हुआ वहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आज का एडिटोरियल स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट इन डिटेल। देखें, द स्टेगरिंग, स्टेगरिंग का मतलब होता है एस्टोनिशिंग, मतलब सरप्राइजिंग बोल सकते हो, एस्टाउंडिंग बोल सकते हो, सरप्राइजिंग। कोलैप्स, कोलैप्स का मीनिंग होगा ब्रस्ट, एक्सप्लोड, टूटना किसी चीज का या फटना या टूटना। अ पार्ट ऑफ ग्लेशियर इन उत्तराखंड, नंदा देवी माउंटेन। तो नंदा देवी माउंटेन जो है उसके ऊपर एक ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा क्या हो गया, ब्रस्ट हो गया, कोलैप्स हो गया। एंड इंश्योरिंग, सुनिश्चित करना, फ्लड, जिसकी वजह से क्या आ गया, फ्लड आया। दैट हैव क्लेम्ड द मेनी लाइव्स, क्लेम द मेनी लाइफ मतलब हो गया विच हैज बिकम द कॉज ऑफ टेकिंग मेनी लाइव्स, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। कम एज डेडली रिमाइंडर, डेडली कह सकते हो पेनफुली, रिमाइंडर याद दिलाने वाला। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि एक ग्लेशियर का टुकड़ा जो कि उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी माउंटेन है, उसका एक बहुत बड़ा टुकड़ा क्या है, ब्रस्ट हो जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से फ्लड आता है और बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। ये एक बहुत ही पेनफुल रिमाइंडर है दैट दिस फ्रेजाइल, देखिए फ्रेजाइल का मीनिंग होता है टेन्यूस और डेलिकेट, बहुत ही वीक आप कह सकते हो। जियोलॉजिकली डायनामिक, जियोलॉजिकली की अगर मैं बात करूं तो वहां का जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, डायनेमिक का मतलब हो गया समीकरण, रीजन क्षेत्र हो गया, कैन नेवर बी टेकन फॉर ग्रांटेड। देखें जो उत्तराखंड का जो रीजन है वहां का जो डायनामिक्स है, जियोलॉजिकल डायनामिक है, वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ज्यादा डेलिकेट है और इट कैन नेवर बी टेकन फॉर ग्रांटेड। और वहां का जो जियोलॉजिकल डायनेमिक है उसको ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि वहां पर केदारनाथ के अंदर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो वहां का जो जियोलॉजिकल डायनेमिक्स है, समीकरण है वहां के, बहुत ज्यादा डेलिकेट है, तो इस चीज को ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। और सिग्निफिकेंट, देखिये सिग्निफिकेंट का मीनिंग हो गया यहाँ इसके हिसाब से ह्यूज, इनॉर्मस, बहुत बड़ा स्लाइस, टुकड़ा कह सकते हैं, ऑफ ग्लेशियर, मतलब ग्लेशियर का बहुत बड़ा टुकड़ा, डिसलॉस्ट, डिसलॉस्ट का मतलब है शिफ्टेड, रिपोजिशनड, खिसक जाना या अपनी जगह से हट जाना, बाय अ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो ग्लेशियर का टुकड़ा था वो अपनी जगह से हट गया, अकॉर्डिंग टू द सम सैटेलाइट इमेजेस। और ये किस बात से पता चला हमें, सैटेलाइट जो इमेजेस थी उसके थ्रू हमें इस बात का पता चला। प्रोड्यूस मतलब जैसे ही वो जो टुकड़ा था, स्लाइस था, वो क्या हुआ, डिसलोज हुआ, अपनी जगह से हटा, तो उसने बहुत बड़ा साउंड प्रोड्यूस किया, क्रिएट किया, रोयरिंग, रोयरिंग का मतलब जो होता है दहाड़ना, ठीक है, हाउलिंग या थंडर जिसको बोल सकते हैं। और जब जैसे वो ग्लेशियर का टुकड़ा अपनी जगह से डिसलोज होता है तो क्या होता है, बहुत बड़ा साउंड, थंडर साउंड क्या होता है, क्रिएट होता है, टोरेंट, टोरेंट का मतलब होता है डाउनपोर या फ्लड, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पानी होना, टॉरेंट इन द ऋषि गंगा। और उस ग्लेशियर के टूटने की वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा तेज आवाज आई और उसकी वजह से बहुत सारा पानी ऋषि गंगा एंड धौली गंगा रिवर्स इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, देखें तो वहां पर जो ऋषि गंगा या चमोली डिस्ट्रिक्ट है वो क्या होगी, ब्रिमिंग विद वाटर, कहीं ना कहीं वो पानी से बहुत ज्यादा भर गई। ऋषि गंगा की बात करें, धौली गंगा की बात करें, जो कि डिस्ट्रिक्ट चमोली में आती है उत्तराखंड के अंदर, ट्रैपिंग, फंस जाना, अनसस्पेक्टिंग, अनसस्पेक्टिंग का मतलब है अनसस्पिशियस, जिनको मतलब बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था। वर्कर्स जो काम कर रहे थे एट टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है चमोली के अंदर, वो वहां पर काम कर रहे थे, उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके नजदीक आ रही है, राइट।
तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोग वहां पर काम कर रहे थे वो उसकी चपेट में आ जाते हैं, उस फ्लड की चपेट में आ जाते हैं, और उनकी बहुत बहुत सारे लोगों की, इनोसेंट लोगों की जान चली जाती है। स्कोर्स ऑफ पीपल, यानी स्कोर्स ऑफ पीपल आर स्टिल मिसिंग इन द वेव ऑफ वाटर। वेव वाटर मतलब पानी की लहर कह सकते हो। तो बहुत सारे लोग क्या है अभी भी मिसिंग है, उनका पता नहीं चला है। सिल्ट, देखो सिल्ट का मतलब हो गया ड्रैग, सेडिमेंट जिसको आप गार बोलते हो, गार मिट्टी वगैरह की बात कर सकते हो। एंड डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब होता है रेमिनेंट, रेमिनेंट या रिलिक्स, अवशेष जिसकी बात करते हैं। दैट स्वेम्प्ट, स्वेम्प्ट का मतलब होता है इन्यूंडेटेड या फ्लडेड द रिवर। देखिए मतलब क्या हुआ, उस डेब्रिस ने क्या किया, फ्लडेड द रिवर एंड फिल्ड टनल इन द तपोवन पावर प्रोजेक्ट। अब बहुत सारा मतलब उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ, तो बहुत सारे डेब्रिस भी साथ, मतलब वो फ्लड अपने साथ बहा कर ले आया, जिसकी वजह से जो रिवर था, जो फील्ड, उसने फील कर दिया टनल को, जो गुफा थी या टनल थी उसको क्या कर दिया, बिल्कुल तपोवन जो पावर प्रोजेक्ट है उसका जो टनल था उसको डेब्रिस से भर दिया। कहीं ना कहीं वो कूड़ा कचरा उसके अंदर, तपोवन पावर प्रोजेक्ट है उसके टनल में, वो पूरा का पूरा भर गया। ऑल दो इमीडिएट रेस्क्यू ऑफ नियरली 50 पीपल वर पीपल बाय द ITP। देखिए तो कहीं ना कहीं मतलब जो 15 लोग उस पावर प्रोजेक्ट, तपोवन पावर प्रोजेक्ट के टनल में फंस गए थे, उनको रेस्क्यू कर लिया गया बाय द ITP, ये एक फोर्स का नाम है। द आर्मी एंड अदर एजेंसी ब्रिंग सम चीयर, चीयर का मतलब हैप्पीनेस, मतलब इस दुख की घड़ी के अंदर एटलीस्ट आर्मी ने और कुछ एजेंसी ने मिलकर कुछ लोगों की जान बचाई, जो कि एक क्या है, एक चीयर मतलब एक हैप्पीनेस का एक सिंबल है कि एटलीस्ट इस दुख की घड़ी में मतलब थोड़ा बहुत खुशी का एक माहौल तो मिला, राइट? तो ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। एंड वी शुड प्रे टू द डिपार्टेड सॉल की भगवान उनकी आत्मा को क्या शांति दे, और जल्दी से जल्दी हम लोग इस बड़े से स्ट्रगल से, इस डिजास्टर से निकल पाए। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं हम। देखिए कॉलेप्स क्या हो गया, आपका एक नाउन हो गया, और स्टेगरिंग, स्टेगरिंग आपका आपका यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जब आप V1+ING लगाते हो और वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। सिमिलर अगर मैं बात यहाँ पे करूँ, फ्लड भी क्या हो गया, आपका एक नाउन हो गया, और इंश्योरिंग जो है वो भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, V1+ING, और यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दैट क्या है, दैट आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका एंटीसीडेंट होता है, फ्लड आपका एंटीसीडेंट हो गया, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है, फ्लड आपका प्लूरल है तो यहाँ पे देखो हमने वर्ब भी प्लूरल ही लगाई है। कैन नेवर बी टेकन, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पैसिव में क्या होता है, कोई भी मॉडल वर्ब आती है उसके बाद आप बी प्लस थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो कैन मॉडल वर्ब होगी, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म हमने यूज कर लिया। देखिए स्लाइस क्या हो गया, स्लाइस आपका एक नाउन हो गया, और सिग्निफिकेंट यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। साथ के साथ अगर मैं बात करता हूँ स्कोर ऑफ पीपल आर, देखिए स्कोर क्या होता है, ये हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, और इसके साथ देखो हमने वर्ब भी प्लूरल यूज किया है, आर यूज किया है, राइट। साथ के साथ अगर मैं बात करता हूँ इसके कुछ क्लॉजेस और फ्रेजेस की, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें एक बार, जो ब्लू कलर के अंदर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, द स्टेगरिंग से लेकर इंश्योरिंग फ्लड तक आपका मेन क्लॉज है, और ग्रीन कलर के अंदर दैट से लेकर ग्रांटेड तक यहाँ पर आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड होना पड़ता है। मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज जिसको आप बोलते हैं, वो अपना मीनिंग खुद ही क्लियर कर लेता है। तो यहाँ पर अ से लेकर अगर मैं बात करता हूँ डेब्रिश तक, ये आपका मेन क्लॉज हो गया, दैट से लेकर ITP तक यहाँ पर आपका, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, द आर्मी से लेकर सम चीयर तक आपका फिर मेन क्लॉज हो गया, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड, द रेस्क्यूअर्स जो बचाने वाले हैं, जो रेस्क्यूअर्स फेस, उनको सामना करना पड़ा अ चैलेंजिंग, यानी वो फेस कर रहे हैं चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि वहां का जो उत्तराखंड का जो इन्वायरमेंट है बहुत चैलेंजिंग है, बहुत टफ है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं लोग। एज दे ट्राई टू लोकेट, लोकेट का मतलब पता करना, फाइंड आउट सम मोर सर्वाइवर्स, मतलब वो जो लोग सर्वाइवर्स जो इस डिजास्टर से सर्वाइव कर पाए वो उनको ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वहां के जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा टफ है। एंड ब्रिंग रिलीफ सप्लाईज टू द पैरालाइज्ड कम्युनिटीज,
पैरालाइज का मतलब हो गया विक्टिमाइज, मतलब जो इससे अफेक्टेड है बहुत ज्यादा, तो उनको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मोर ब्रीफ रिलीफ सप्लाईज, यानी उनको कुछ खाने पीने की चीजें या जिनसे उनको रिलीफ मिले वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। दिस इमीडिएट यानी क्विक मेजर्स स्टेप्स एक्शंस आर इम्पोर्टेंट, और ये सारे के सारे जो जो क्विक एक्शंस लिए जा रहे बहुत ज्यादा जरूरी है, अलोंग विद द स्पीडी कंपनसेशन। स्पीडी मतलब विद फास्ट, कंपनसेशन का मतलब क्षतिपूर्ति, राइट, अटोनमेंट और इंडेमिटी मतलब क्षतिपूर्ति। तो मतलब ये मेजर्स तो लिए जाने चाहिए, साथ के साथ उन लोगों को जो जिनकी फैमिली अफेक्ट हुई है इस डिजास्टर से उनको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। बट द सेंटर एंड उत्तराखंड, और सेंटर की बात की जाए और उत्तराखंड गवर्नमेंट की बात की जाए, कैन नॉट इग्नोर, वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट इंक्रीजिंग, क्योंकि जो यूके है उत्तराखंड है इंक्रीजिंग, उसका जो मतलब इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, फ्रेलिटी इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल शॉक्स। फ्रेलिटी का मतलब है फीवलनेस, इनफॉर्मिटी, कमजोरी, मतलब कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड है उसका जो जो कमजोरी है, फ्रेलिटी है इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल शॉक, कहीं ना कहीं मतलब वहां पर नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है और जो सेंटर है वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, वो ग्रांटेड नहीं ले सकते इस चीज को, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने होंगे जिससे कि लोगों की जानों को बचाया जा सके, क्योंकि आमतौर पर वहां का जो इन्वायरमेंट है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, नेचुरल डिजास्टर अक्सर वहां पर होते रहते हैं, तो इन चीजों को गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और जो यूके गवर्नमेंट है उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है इनको इग्नोर नहीं कर सकती है, क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा फ्रेलिटी है, कमजोर हो गया है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे डिजास्टर आमतौर पर वहां पर आते रहते हैं। वंस मतलब अब पुरानी बात की जा रही है, वंस द क्रूसिबल, क्रूसिबल का मीनिंग हो गया टफ टाइम, डिफिकल्ट टाइम, ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म का मीनिंग होता है द एक्टिविटी ऑफ प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन और डिस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसको मतलब आप क्या कह सकते हैं, एक ऐसी एक्टिविटी जिससे आप इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से और डिस्ट्रक्शन से बचाते हो। एपिटोमाइज्ड, एपिटोमाइज्ड का मतलब है रिप्रेजेंटेड, प्रेजेंट करना, बाय सुंदरलाल बहगुना गोरा देवी एंड द चिपको मोमेंट। देखिए उत्तराखंड के अंदर 1973 के अंदर एक चिपको आंदोलन हुआ था, और उस चिपको आंदोलन को किसने लीड किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने उसको लीड किया था। उसका जो पर्पस था वो क्या था, देखो उसका पर्पस ये था कि जो फॉरेस्ट है, जो ट्रीज है, उनको क्या करना है, उनको उनको बचाने का था, उनको प्रिजर्व करने का था, कंजर्व करने का था, यानी उनको प्रोटेक्ट करने का था। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो एक डिफिकल्ट टाइम था, मतलब उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया था, मतलब ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था किस चीज को, मतलब उस आंदोलन को, उस मोमेंट को, जिसको बहुत फेमस आंदोलन था वो, चिपको आंदोलन बोला जाता है, गोरी देवी भी उसके अंदर उनके साथ थे, एंड द स्टेट डीप गोर्जेस। देखो गोर्जेस का जो मीनिंग होता है, गोर्ज इज अ नैरो वैली विद स्टीप रॉकी वॉल्स लोकेटेड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन। देखें कोई भी वैली है, जैसे मान लो ये वैली है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम गोर्स बोल सकते हैं, ठीक है, गोर्स बोल सकते हैं इसको। एंड कैनोइंस, कैनोइंस का मतलब हो गया, अब जो कैनोइंस का मतलब, कैनोइंस का मतलब हो गया जो इन दो, इस जोर्स के बीच में, जो ये वैली के बीच में ये पार्ट बना हुआ है, इसके बीच में जो रिवर बहती है, जो पानी का कोई भी सोर्स होता है उसको हम बोल सकते हैं कैनोइंस। ओके, हैव अट्रैक्टेड मैनी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ऑब्वियसली बात है, मतलब उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे गॉर्जेस हैं और कैनोइंस हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, अट्रैक्ट हुई, गवर्नमेंट अट्रैक्ट हुई किस चीज के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए वहां पर, डैम्स बनाने के लिए वहां पर, विद अ लिटिल कंसर्न फॉर द अर्थक्वेक रिस्क। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इस बात को ज्यादा कंसर्न नहीं किया, क्योंकि देखिए डैम की वजह से अक्सर अर्थक्वेक के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान नहीं दिया। अब ये जो चिपको आंदोलन मोमेंट का जो जिक्र किया है, वो इसलिए जिक्र किया है कि उत्तराखंड ने ऐसी सिचुएशन को पहले भी फेस किया है कहीं ना कहीं, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सुंदरलाल बहुगुणा लेड बाय सॉरी अलोंग विद गौरी देवी, तो उन्होंने चिपको मोमेंट स्टार्ट किया था 1973
देखिए, रेस्क्यूअर्स आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, तो आपकी वर्ब भी आपने प्लूरल लगाई, फेस बिल्कुल ठीक है ये। टू लोकेट, टू लोकेट आपका इन्फिनिटिव हो गया। थोड़ा मैं इन्फिनिटिव को डिटेल में बताता हूँ। देखिए, इन्फिनिटिव टू प्लस वी वन जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है आपका इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जनरली काम क्या करता है, ये दो तरीके से काम किया जाता है। एक तो इसको बोला जाता है वर्बल ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? वर्बल ऑब्जेक्ट। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं जैसे आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी, अब देखो आई वॉन्ट टू स्टडी, अब देखो ये वॉन्ट है, ये तो आपका मेन वर्ब हो गया, और ये टू स्टडी हो गया, ये आपका मतलब देखो जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अब ये आई तो सब्जेक्ट हो गया आपका, वी जो है ये वी वॉन्ट आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये वॉन्ट का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वो क्या हो गया इसका, ये टू प्लस वी वन यानी कि इन्फिनिटिव हो गया। टू लोकेट, तो टू प्लस वी वन जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव को हम सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं हम। कैसे? अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, टू आर इज ह्यूमन, टू आर इज ह्यूमन, इसका जो मीनिंग होता है इंसान गलतियों का पुतला होता है। अब देखो टू प्लस वी वन से हमने सेंटेंस को भी स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब हम इसको एज ए सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? पैरालाइज कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं, कम्युनिटी इज आपका यहाँ पर नाउन हो गया, पैरालाइज आपका वी थ्री हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल हमेशा आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। स्पीडी रिकवरी, स्पीडी कंपनसेशन, देखिए कंपनसेशन आपका नाउन हो गया और स्पीडी आपका एडजेक्टिव हो गया। फैमिली इज आपका नाउन हो गया, अफेक्टेड वी थ्री मतलब आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। हैव प्लस वी थ्री आपने यूज किया है क्योंकि यहाँ पे देखो गॉजेस एंड कनॉइंस जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया गया है, और हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता हैज या हैव के बाद आप वी थ्री लगा देते हैं क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसलिए आपने हैव अट्रैक्टेड लगा दिया है, राइट। तो ये कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट थे, और साथ के साथ अगर मैं बात करूँ इसका, तो ये पूरा का पूरा जो स्लाइड है ये आपका मेन क्लॉज में ही लिखा गया है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। रेड फ्लैग्स, देखिए रेड फ्लैग्स किस चीज का सिंबल करता है, वार्निंग का सिंबल करता है, कहीं ना कहीं वार्निंग दिखाने के लिए, है ना। रेड फ्लैग्स हैव बीन रेज रिपीटेडली, रिपीटेडली का मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूसली, अक्सर, मतलब अगर बात की जाए उत्तराखंड के अंदर तो सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट रही है, तो रेड फ्लैग जो कि सिंबलाइज करता है वार्निंग को, अक्सर वहां पर रेड फ्लैग को रेज किया गया है, ठीक है। मतलब रेज करने का मतलब हो गया कहीं ना कहीं उसको मतलब उठाया गया है, कहीं ना कहीं उसको लगाया गया है बार बार में, जिससे कि इस बात को बताया जा सके कि यहाँ पे सिचुएशन अभी टफ है, सिचुएशन वहां पर बहुत ज्यादा सीवियर है, प्रॉब्लम वहां पर है। तो अक्सर वहां पर रेड मतलब क्या है, वार्निंग को दिखाने के लिए रेड फ्लैग्स को वहां पर क्या किया गया, रेज किया गया है, कई बार लगाया गया है अक्सर, पर्टिकुलरली आफ्टर द मॉडरेट क्वेक। मॉडरेट का मतलब हो गया एवरेज, आप जिसको बोलते हैं क्वेक इन द 1991। अगर बात करें 1991 के अंदर, तो वहां पर एक मॉडरेट थोड़ा कम इंटेंसिटी का आप बोल सकते हैं, क्वेक मतलब अर्थक्वेक के लिए बोला गया, 1991 में हुआ था इन द रीजन, उस पर्टिकुलर रीजन यानी एरिया के अंदर वेद तिहरी तिहरी डैम वॉज बिल्ट, जहां पर तिहरी तिहरी जो डैम है वो बनाया गया था, वहां पर क्या है मॉडरेट अर्थक्वेक को वहां पर देखने को मिला था। एंड 2013 फ्लड्स, और 2013 का फ्लड्स को कौन बोल सकता है, दैट डाइवेस्टेटेड, डाइवेस्टेटेड का मतलब हो गया डिस्ट्रॉय करना, रियूंड करना, जिसने डेवेस्टेट कर दिया केदारनाथ। इस डे को हम कोई, इस ईयर को हम कोई भी नहीं भूल सकते हैं। 2013 के अंदर एक बहुत भयानक फ्लड आया था जिसने पूरे के पूरे केदारनाथ को डेवेस्टेटेड कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। पॉइंटिंग टू द थ्रेट, ये इस खतरे की तरफ इशारा करते हैं, फ्रॉम द सिस्मिसिटी। देखिए सिस्मिसिटी का मतलब होता अ मेजर इनकम्पासिंग अर्थक्वेक अक्यूरेंस, मतलब एक तरह का मेजर होता है जो किस चीज को इम्पास करता है, किस चीज को जज करता है, किस चीज को कैलकुलेट करता है, जो अर्थ क्वेक का जो अक्यूरेंस है, अर्थ क्वेक कहाँ से हुआ, इन चीजों को क्या करता है वो, उन चीजों को जज करता है, इन चीजों को इवेल्युएट करता है। डैम इंस्यूड, इंड्यूस्ड का मतलब हो गया, डैम इंड्यूस्ड माइक्रो सिस्मिसिटी का मीनिंग हो गया द डैम विच कॉजेज द अर्थक्वेक। देखिए क्योंकि जहां पर डैम बनाया जाता है तो वहां पर पानी का जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां उस पर्टिकुलर एरिया में अर्थक्वेक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, एंड लैंडस्लाइड, वहां पर लैंडस्लाइड के चांसेस ज्यादा होते हैं, एंड फ्लड्स
फ्रॉम द वेराइटी ऑफ कॉजेस, और मतलब क्या है, बहुत सारे कॉजेस होते हैं एंड इंक्लूडिंग अनस्टेबल ग्लेशियल लेक्स, और वहां पर बहुत सारे ग्लेशियल, ग्लेशियल का मतलब हो गया आइसी फ्रोजन लेक्स, झील हो गई, एंड क्लाइमेट चेंज, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां पर क्लाइमेट चेंज भी हुआ है। ठीक है, अब देखो दोबारा से हम करते हैं। रेड फ्लैग हैव बीन रेज्ड, रेड फ्लैग वहां पर अक्सर वार्निंग वहां पे दिखाई गई है। किस वजह से वार्निंग दिखाई गई, यानी पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि उत्तराखंड के अंदर इस तरह की इंटेंस सिचुएशन हुई है, बहुत बार पहले भी रेड फ्लैग्स को वहां पर फहराया गया है, लगाया गया है। किस वजह से कि देखिए 1991 के अंदर वहां पर क्या हुआ था, तेहरी डैम बनाया गया था जिसकी वजह से मॉडरेट अर्थक्वेक हुआ था। 2013 के अंदर एक फ्लड आया था केदारनाथ के अंदर जिसने पूरे के पूरे केदारनाथ को डेवेस्टेटेड कर दिया था, रियून कर दिया था। साथ के साथ मतलब ये जो है ना लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, फ्लड्स आते रहते हैं, और बहुत सारे कॉजेज हैं, अनस्टेबल ग्लेशियर लेक्स हैं, और क्लाइमेट चेंज की वजह से अक्सर वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। तो रेड फ्लैग्स को वार्निंग के तहत वहां पर अक्सर लगाया जाता रहा है। इंडिया इज हैवली इन्वेस्टेड, इंडिया ने बहुत सारा पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया है इन डैम डेवलपमेंट, और वहां पर वो बांध बनाने के काम में लगी हुई है इंडिया, एंड ग्रोथ ऑफ हाइड्रो पावर, और वहां पर हाइड्रो पावर जो स्टेशन है वो लगाने की कोशिश में है, लार्जली इन द हिमालयस रीजन। और ज्यादातर वो जो हाइड्रो पावर जो स्टेशन है वो हिमालयस के रीजन मतलब एरिया के अंदर की बात की जा रही है, स्पेशली खास तौर पर टू कट डाउन। कट डाउन का मतलब था किसी चीज को कम करना। कार्बन इमिशंस, इमिशन का मतलब होता है डिस्चार्ज, कार्बन को एक्सपेलिंग भी बोल सकते हो, मतलब जो कार्बन का जो स्तर है, जो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसको कम करने के लिए उसने हिमालयस के जो एरिया उसको वहां पर उसने क्या किया है, गवर्नमेंट ने वहां पर जो हाइड्रो पावर जो स्टेशन है वहां लगाने की कोशिश की है। बाय वन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट की बात की जाए, एक अंदाजे की बात की जाए, इफ द नेशनल प्लान टू कंस्ट्रक्ट, अगर हमारा जो नेशनल प्लान है टू कंस्ट्रक्ट डैम्स, अगर डैम्स कंस्ट्रक्ट करने का जो प्लान है इन 28 रिवर्स वैलीज, जो 28 रिवर्स हैं उनके ऊपर इस हिल्स रिलाइज्ड। देखिए अगर मतलब हमारा जो नेशनल प्लान है क्या करने का, कंस्ट्रक्ट करने का, 28 के करीब रिवर्स है जहां पर क्या प्लान किया गया है कि डैम बनाने का जो प्लान किया गया रिलाइज्ड, अगर उसको रिलाइज किया जाता है, अगर उसको फील किया जाता है, अगर उसको समझा जाता है इन अ फ्यू डिकेड्स, मतलब आने वाले कुछ दशकों के अंदर, द हिमालयस विल हैव वन डैम फॉर एवरी 30 किलोमीटर अमंग द वर्ल्ड हाइएस्ट डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब यहाँ पर हो गया टाइटनेस, डेंसनेस, या फिर आप बोल सकते हैं हाई एल्टीट्यूड। तो कहीं ना कहीं अगर इस पर्टिकुलर प्लान को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो ऐसी 28 रिवर्स रहेंगी, मतलब जिनके ऊपर क्या किया, क्या जा, किया जाने का प्लान है, डैम्स बनाने का प्लान है। और यानी अगर ऐसा हुआ तो हिमालय के इंडियन हिमालय जो जो हिमालय इंडियन एरिया के अंदर आता है तो उसके ऊपर 32 से ज्यादा क्या हो जाएंगे, मतलब हर एक 32 किलोमीटर पे एक डैम दिखाई पड़ेगा, एक 32 किलोमीटर में एक डैम दिखाई पड़ेगा, और वो भी हाईएस्ट एल्टीट्यूड के ऊपर, मतलब सबसे ऊंचाई के ऊपर। तो कहीं ना कहीं डैम भी एक कोज होता है इन अर्थक्वेक की वजह से, या इस तरह के जो आप कह सकते हो डिजास्टर की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये भी एक एक कंसर्न का विषय है हमारे लिए, एक चिंता का विषय है। तो चलो इसको कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं हम। देखिए रेड फ्लैग्स हैव बीन रेज्ड, अब फ्लैग्स आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, तो यहाँ पर देखो हैव बीन रेज्ड हमने यूज किया, पैसिव का स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया है। साथ के साथ वॉज बिल्ट, देखिए यहाँ पर भी हमने पास्ट इंडेफिनाइट यानी पास्ट में बी का फॉर्म सेकेंड फॉर्म हो जाता है वॉज, और बिल्ट हो गया आपका V3। ठीक है, ये भी पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। इंडिया इज हैवली इन्वेस्टेड, इंडिया सिंगुलर है तो ये देखो हमने पैसिव का स्ट्रक्चर फिर फॉलो कर लिया, इज इन्वेस्टेड, बी प्लस थर्ड फॉर्म हमने फॉलो कर लिया। टू कट मतलब हो गया कम करने के लिए, ये आपका इन्फिनिटी हो गया, टू प्लस वी वन हो गया। टू कंस्ट्रक्ट, ये भी आपका इन्फिनिटी हो गया, टू प्लस वी वन हो गया। इज रियलाइज्ड, इज रियलाइज्ड, देखें ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया बी प्लस थर्ड फॉर्म। एंड विल हैव डैम, देखें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है आपका, देखें जब आपका प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस होता है जो फर्स्ट क्लोज होता है यानी इफ क्लोज होता है वो आपका प्रेजेंट में होता है, और बाद वाला जो क्लोज होता है आपका विल प्लस फर्स्ट फॉर्म में होता है। जब आपका फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, जब आपका फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस होता है तो फर्स्ट आपका प्रेजेंट में होता है, दूसरा वाला क्लोज आपका विल में होता है। अब ध्यान से देखें इसको, बाय वन एस्टिमेट इफ द नेशनल प्लान टू कंस्ट्रक्ट डैम्स इन द रिवर इन द हिल्स इज रियलाइज्ड, देखें
मैंने इफ क्लोज है वो प्रेजेंट में यूज किया है, लेकिन बाद वाला जो क्लोज है हमने विल प्लस फर्स्ट फॉर्म में यूज किया है, तो ये भी एक फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। देखिए रेड फ्लैग से लेकर रिपीटेडली तक आपका मेन क्लॉज है, पर्टिकुलरली से लेकर चेंज तक आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिया से लेकर अगर मैं बात करता हूँ इमिशन तक ये आपका फिर मेन क्लॉज आ गया, पर्पल कलर में आपका ये हो गया फ्रेज हो गया, इफ से लेकर अगर मैं बात करता हूँ डिकेट्स तक फिर आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, द इंडियन से लेकर डेंसिटीज तक आपका मेन क्लॉज हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। येट फिर भी रिसर्चर्स सेज, रिसर्चर्स का मानना है वो कहते हैं दिस मे बी द मिस कैलकुलेशन, मिस कैलकुलेशन का मतलब हो गया मिस एस्टिमेटिंग या मिस रिकॉर्डिंग, मतलब गलत अंदाजा लगाना, फॉर द रीजंस इंक्लूडिंग पोटेंशियल अर्थक्वेक, पोटेंशियल का मतलब हो गया पॉसिबिलिटीज या कैपेसिटी, अर्थक्वेक इंपैक्ट्स, मॉनसूनल एब्रिवेशंस, एब्रिवेशंस का मतलब हो गया डिसऑर्डर, डिसऑर्डर या डिसक्वाइट, दैट कुड रिपीट अ केदारनाथ लाइक फ्लड। देखिए येट रिसर्चर्स से दिस मे बी मिस कैलकुलेशन फॉर द रीजंस, अगर मान लो इन रीजंस का मिस कैलकुलेशन होता है तो इंक्लूडिंग पोटेंशियल अर्थक्वेक इम्पैक्ट, और हम ऑब्वियसली बात है अर्थक्वेक का जो पोटेंशियल, जो एक कैपेसिटी है, जो अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट है उसको हम नहीं कर सकते, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एंड मॉनसून डिसऑर्डर, क्योंकि मॉनसून है उसको भी मॉनसून भी बहुत ज्यादा डिसऑर्डर में हुआ है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की अगर मैं बात कर लेता हूँ, दैट कुड रिपीट, अगर ये सारे के सारे रीजंस की अगर बात की जाए ना, इनको अगर मिस कैलकुलेशन होता है तो रिपीट केदारनाथ लाइक फ्लड, तो ऐसा पॉसिबल है कि केदारनाथ जो कि 2013 के अंदर एक ऐसा बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, तो वैसा पॉसिबल है कि वो रिपीट हो जाए। सीवियर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग हो गया द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन पर्टिकुलर हैबिटेट। देखिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब एक पर्टिकुलर जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स और जो प्लांट्स है उनका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है अगर ऐसा फ्लड आया तो, एंड इम्पोर्टेंटली एक्सट्रीम डेंजर, और मतलब ऑब्वियसली बात है सबसे गहरा डेंजर खतरा टू द कम्युनिटीज, उन लोगों के लिए डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब हो गया जो नदी के किनारे जो लोग रहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम करंट, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। देर इज ऑल्सो सम एविडेंस, इस बात के कुछ हमारे पास प्रूफ भी है, एविडेंस भी है दैट द लाइफ ऑफ डैम्स इज ऑफन एग्जिग्रेटेड, एग्जिग्रेटेड का मतलब बढ़ा चढ़ा कर दिखाना या बताना, एंड अक्सर मतलब जो डैम की जो लाइफ है उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, एंड सिल्टेशन, सिल्टेशन का मीनिंग हो गया सिल्टेशन वो गार, रेत गार मिट्टी उनके लिए बोला गया, विच रिड्यूस इट, और जो रेत मिट्टी होती है वो डैम की लाइफ को क्या करती है रिड्यूस करती है, कम करती है। इट इज ग्रॉसली अंडर एस्टिमेटेड इन द भाखरा डैम इन हिमाचल प्रदेश फॉर इंस्टेंस सिल्टेशन वॉज हायर बाई 140 देन कैलकुलेटेड। देखिए एक सर्वे हुआ था उसके अंदर ये बात का पता करना था कि जो सिल्टेशन है किसके अंदर, भाखरा डैम के अंदर जो कैलकुलेट किया गया था, जो एक जो मतलब अंदाजा लगाया गया था उसके 140% उससे कहीं ना कहीं ज्यादा सिल्टेशन था, मिट्टी थी वहां पे रेत था। तो इस बात का भी मतलब कहीं ना कहीं हम इस बात को मतलब ये जो ऑब्वियस सी बात है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। अब कहने का मतलब ये जो सिल्टेशन है वो कैसे कोज बन सकता है, क्योंकि देखिए अगर मिट्टी का जिस तरह वो बढ़ता जाएगा तो पानी भी ऊपर आएगा जिसकी वजह से फ्लड आने के चांसेस हो जाते हैं। तो उस सर्वे में ये बताया गया था इट्स ग्रॉसली अंडर एस्टिमेटेड, जैसे एस्टिमेट किया गया था उसके बिल्कुल मतलब वो जो कैलकुलेशन थी वो तो बिल्कुल ही गलत कैलकुलेशन थी, तो ऑब्वियसली बात है तो इस तरह के जो थ्रेट है हम उसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं हम, देखें वेट करें एक सेकेंड। यस तो सबसे पहले देखो रिसर्चर आपका प्लूरल हो गया, तो हमने यहाँ पर से यूज कर लिया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज कर लिया हमने, कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो कर रहा है जो कि मॉडल की तरह यूज किया गया है, सम एविडेंस, देखिए एविडेंस, एविडेंस जो होता है एक अनकाउंटेबल नाउन होता है जो हमेशा ही आपका एविडेंस यूज किया जाता है, ठीक है, चाहे वो एक हो चाहे वो दो हो चाहे प्लूरल हो तभी एविडेंस ही रहेगा अपने साथ, इज ग्रॉसली अंडर एस्टिमेटेड, देखो बी प्लस थर्ड फॉर्म हमने फिर यूज कर लिया यहाँ पर, ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। ग्रीन में येट से लेकर अगर से तक बात करूं ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, दिस से लेकर अगर मैं यहाँ तक बात करता हूँ मॉनसूनल से तक बात करता हूँ तो ये आपका मेन क्लॉज हो गया, दैट से लेकर
डाउनस्ट्रीम तक आपका फिर डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, देयर से लेके एविडेंस तक आपका मेन क्लॉज हो गया, फिर दैट से लेकर कैलकुलेटेड तक फिर आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यस द नीड टू, देखो इस चीज की जरूरत है क्या, रिगोर्सली, रिगोर्सली का मीनिंग हो गया स्टिकली, सॉरली, स्टडी, मतलब बहुत गहराई से इसकी स्टडी करनी होगी, दैट द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी, जो पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट उसको फॉलो कर रही है हिमालयस के अंदर, मतलब हाइड्रो जो स्टेशन लगाने की बात कर रही है, उनको बहुत गहराई से स्टडी करना होगा, एंड कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब डिटेन करना और इनक्लोज करना, रोकना, डिटेन करना, एक पर्टिकुलर एरिया में डिटेन करना हाइड्रो प्रोजेक्ट्स टू दोज विद द लीस्ट इम्पैक्ट। तो कहीं ना कहीं मतलब अब जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिटेन करना होगा, रोकना होगा उनके साथ जहाँ पे लीस्ट इम्पैक्ट है, मतलब वो सारे के सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को रोकना होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है, चांसेस बहुत ज्यादा सीवियर है, वहां पर फ्लड आ सकता है या बहुत बड़ा कह सकते हैं डिजास्टर हो सकता है, तो उस तरह के इलाके को डिटेन करना होगा, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को डिटेन करना होगा, और उनकी बजाय किनको यूज करना चाहिए, कौन से एरिया को कर सकते हैं जहाँ पे लीस्ट इम्पैक्ट है, जहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा कम है वहां पर कंसिडर किया जा सकता है, वाइल रिलाइंग, रिलाइंग का मतलब हो गया बैंकिंग या डिपेंडिंग, निर्भर होते हुए मोर ऑन द लो इम्पैक्ट। तो कहीं ना कहीं मतलब उस एरिया के ऊपर ज्यादा, मतलब जहां पर इम्पैक्ट थोड़ा कम है वहां पर मतलब क्या किया जा सकता है, वहां पर डैम वगैरह को या गवर्नमेंट को अपना जो पॉलिसी है वहां पर वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स दैट नीड नो डिस्ट्रक्टिव लार्ज डैम्स, मतलब उस तरह की जगह के यहाँ पर मतलब कंसिडर किया जा सकता है जहाँ पे लो इम्पैक्ट है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस जो लार्ज डैम्स है वहां बनाने की जरूरत ना हो, तो मतलब हाईली सेंसिटिव एरियाज के अंदर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए मनाही, मतलब उनको कंसिडर करना चाहिए कि वहां पर वो नहीं बनाना चाहिए, जहाँ पे लो इम्पैक्ट है वहां पर वो कंसिडर कर सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि वहां पर डिस्ट्रक्टिव लार्ज डैम्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड रेजर्वर्स, रेजर्वर्स का मतलब होता है जलाशय, जिसको आप मीनिंग बोल सकते हो वाटर रिसोर्स, मतलब यहाँ पर एडिटर ने एक सलाह दी है गवर्नमेंट को कि उनको किस चीज पे डिपेंड होना चाहिए, जो लो इम्पैक्ट एरियाज है वहां पर वो कंसिडर कर सकते हैं। ओके देखिए, लो इम्पैक्ट रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट दैट नीड नो डिस्ट्रक्टिव लार्ज डैम्स एंड रिजर्वर्स, मतलब वहां पर जो डिस्ट्रक्टिव डैम्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लो इम्पैक्ट वाले एरिया के अंदर हाइड्रो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंसिडर किया जा सकता है। अनलाइक, इसके बिल्कुल अपोजिट, अनलाइक व्हाट द एन नीति आयोग सीम्स टू थिंक ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब अगर बात करते हैं इसका मीनिंग हो गया अ कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन दैट रिवील्स बेसिक कॉज, अनलाइक मतलब इसके साथ साथ मतलब अगर मैं बात करता हूँ जो नीति आयोग है उसको कंसिडर करना होगा, उसको सोचना होगा इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का मतलब हो गया कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो कॉजेस हैं उनको कंसिडर करना पड़ेगा सीरियसली, एंड दिस वुड बी अ साउंड अप्रोच, अगर मतलब जो गवर्नमेंट है, नीति आयोग है, वो इनके कॉजेस को कंसिडर करती है कि व्हाट आर द कॉजेस, सीरियस कॉजेस कौन से हैं, तो अगर वो इनको कंसिडर करती है तो ये जिस तरह के जो डिजास्टर है समहाउ उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनको अवॉइड किया जा सकता है, और अगर गवर्नमेंट ऐसी मतलब अप्रोच को फॉलो करती है दिस वुड बी अ साउंड अप्रोच, साउंड का मतलब हो गया एक सॉलिड या मीनिंगफुल अप्रोच, मतलब अगर ऐसा एक ऐसी अप्रोच के साथ अगर गवर्नमेंट, नीति आयोग का मानना है, अगर ऐसी गवर्नमेंट ऐसी अगर अप्रोच के साथ अगर सोचे जाएंगे तो डेफिनेटली एक बहुत ही सॉलिड अप्रोच होगी जिससे कि इस तरह के जो डिस्ट्रक्शन है उनको अवॉइड किया जा सकता है, समहाउ उनको कहीं ना कहीं उनसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए टू स्टडी, यहाँ पे आपका फिर आपका इन्फिनिटिव केस यूज कर लिया, टू प्लस वी वन वाइल आपका प्रेपोजिशन हो गया, तो उसके बाद जीरंड आपने यूज कर लिया, वी वन प्लस आई एन जी आपने जीरंड यूज कर लिया, टू थिंक, देखिए ये फिर आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, टू प्लस वी वन, और नीति आयोग सिंगुलर था तो हमने सिम्स यूज कर लिया, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर वर्ब हमने यूज कर ली। द नीड से लेकर अगर बात करता इम्पैक्ट तक आपका मेन क्लॉज हो गया, वाइल से लेकर इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग तक आपका फिर डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और दिस से लेकर अप्रोच तक आपका मेन क्लॉज हो गया, राइट। तो ये आपका ये पर्टिकुलर आर्टिकल था, तो इससे रिलेटेड कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट है वो भी देख लेते हैं लगे हाथ। देखिए कॉमन एरर्स की बात कर लेते हैं। द स्टैगरिंग कॉलेप्स ऑफ पार्ट ऑफ ग्लेशियर इन उत्तराखंड नंदा देवी माउंटेन एंड द इंश्योरिंग फ्लड दैट हैज क्लेम्ड मैनी लाइव्स कम इज ए डेडली रिमाइंडर। देखिए अब यहाँ पर जो है सी पार्ट के अंदर एरर है कहीं ना कहीं, देखिए ध्यान से देखेंगे हम, इंश्योरिंग फ्लड्स,
दैट क्या है, देखिए दैट आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से आगे वाला जो होता है आपका एंटीसीडेंट होता है, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है, तो फ्लड प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर हैव आना चाहिए ना कि हैज। साथ के साथ अगर मैं बात करता हूँ सेंटेंस नंबर टू, स्कोर ऑफ द पीपल इज स्टिल मिसिंग इन द वेव ऑफ वाटर सिल्ट डेब्रिस दैट स्वैम्प द रिवर फिल टनल इन द तपोवन प्रोजेक्ट पावर। देखिए स्कोर जो है वो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, तो यहाँ पर इज ना कर आपका आर आना चाहिए। सेंटेंस नंबर थ्री पे मूव करते हैं, रेड फ्लैग्स हैज बीन रेज रिपीटेडली पर्टिकुलरली आफ्टर मॉडरेट क्वेक इन 1991 इन द रीजन वे द तहरीन डैम वॉज बिल्ट एंड द 2013 फ्लड दैट डेवेस्टेटेड केदारनाथ। देखिए रेड फ्लैग्स जो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, तो यहाँ पर आपका हैव आना चाहिए, और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है, हैव आना चाहिए। फॉर की अगर मैं बात करूँ, देयर इज ऑल्सो सम एविडेंसेस दैट द लाइफ ऑफ डैम्स इज ऑफन एग्जेजरेटेड एंड सिल्टेशन। देखिए एविडेंस जो होता है वो आपका एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज कर लेते हैं हम, इसको एविडेंसेस नहीं होते, अगर एक एविडेंस है तब भी हम एविडेंस यूज करते हैं, और बहुत सारे एविडेंस होते हैं तब भी हम एविडेंस ही यूज करते हैं, तो एविडेंस आ जाएगा ना कि एविडेंसेस। चलो इसका कुछ रिविजन कर लेते हैं हम वोकैबुलरी का। स्टैगरिंग, देखो स्टैगरिंग का मतलब होता है सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग या एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग का मतलब हो गया सरप्राइजिंग, बहुत ज्यादा। डिसलोज का मतलब होता है अपनी जगह से हट जाना, शिफ्ट हो जाना, तो आप बोल सकते हो रीपोजिशन बोल सकते हो। फ्रेलिटी का मीनिंग हो गया फीबलनेस, कमजोरी। एग्जेग्रेटेड का मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, जिसका मीनिंग होता है एम्पलीफाइड। कन्फाइंड का मतलब होता है डिटेन करना, रोकना, या एक पर्टिकुलर इनक्लोज करना किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर इनक्लोज कर देना, उसको बोल सकते हैं कन्फाइन। तो ये रिविजन पार्ट था। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। आई ट्रूली बिलीव आई मेड इट क्लियर फॉर यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो टुमारो आई कम विद अनदर आर्टिकल। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।